कोरोना के इस विपदा काल में भी कुछ ऐसी खबरें हैं जो हौसला बढ़ाती हैं, जो नई उम्मीद जगाती हैं और जो उपलब्धि का एक नए आकाश की ओर इशारा करती हैं। हम इससे बात करने जा रहे हैं एडलिन कैस्टलिनो से, जो कि जिन्होंने इतिहास रचा है, जो तीसरी रनर अप रही हैं मिस यूनिवर्स में। एडलिन, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही खुश हूँ कि इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है लोगों से, एंड इससे ज़्यादा मैं कभी मांग भी नहीं सकती। एक एक वन मंथ बैक जहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी कंपटीशन के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना दूर तक चली जाऊंगी और लोगों का इतना प्यार मिलेगा। सो मैं बहुत खुश हूँ। हमें आपके जहन में क्या ख्याल आया, किस तरह की फीलिंग आपको हुई एक भारतीय की उपलब्धि के तौर पर, दुनिया उस कंपटीशन का हिस्सा थी? तो उस मोमेंट पे मैं इतनी फोकस की थी कि मैंने ये नोटिस नहीं किया, पर जो टॉप 5 में जो दूसरी कंटेस्टेंट थी मेरे साथ, जिसने ये खिताब जीता था, वो मेरे पास आई थी और बोली थी कंग्रेचुलेशंस। तो मैंने बोला क्या हो गया, तो वो बोले कि तुम एक एशियन, मतलब हम लटीनास के सामने, हम चार लटीनास के सामने तुम बस एक एशियन हो। तो मैंने, मतलब भारत का नाम ही नहीं पर एशियन, जो एशियन रीजन से जो भी कंट्रीज आती है उसको भी रिप्रेजेंट किया टॉप 5 में। और मैंने ये भी एडलिन पढ़ा आपके बारे में कि आपसे एक सवाल पूछा गया था लॉकडाउन को लेकर के, और आपने उसके जवाब में भारतीय जो भारत की जो स्थितियां हैं उसके हवाले से आपने जवाब दिया, वो बड़ा चर्चा का विषय बना। हाँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने देशवासियों के एक्सपीरियंस से बात कर रही थी उधर, कि मैंने हमने वो एक्सपीरियंस किया है लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था। तो आई फील कि मैं, क्योंकि वो आंसर कभी रिहर्स नहीं था, मैंने उसको इसके पहले कभी ट्राई नहीं किया, ओके मैं ऐसे बोलने वाली हूँ, वैसे बोलने वाली हूँ। उस टाइम पे जो मेरे मन में था वो मैंने बोल दिया। मैंने बोला कि हम इस दौर से गुजर गए हैं और हम, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन हेल्थ, और अपने लोगों की जो भी हेल्थ है उसको नज़रअंदाज करके आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू फोकस ओवर देयर। सो दैट्स व्हाट I wanted to tell people, and I'm happy with my answer, and that's why I think people could connect to what I was saying on that day. मैं थोड़ा सा आपसे इस कंपटीशन के स्टेज से हट के सवाल कर रहा हूँ, भारत के बारे में मिस यूनिवर्स की जो दूसरी कॉम्पिटिटर थी उनकी क्या सोच थी इस समय के हालातों को देखते हुए, क्या बातें कर रहे थे वो सारे लोग? वो बहुत ही इमोशनल टाइम था मेरे लिए जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में, कि रोज उठ के मैं सोशल मीडिया में जब देखती थी तो बहुत लोगों, मतलब देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, देयर रिलेटिव्स, और वो लोग मुझे मैसेज करते थे कि वो बोलते थे दीदी यू आर आवर ओनली होप, यू नो वी आर फेसिंग सो मच ऑफ डिफिकल्टी हियर, आई होप दैट यू कम विद द क्राउन, आई होप दैट यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्राइड टू इंडिया। और वो जब मैं जब पढ़ती थी ये सब ना, बहुत ही इमोशनल हो जाती थी, और जब ये डिस्कस करती थी अपने दूसरे जो डेलीगेट्स थे उनके साथ, तो वो बोलते थे आई एम सो सॉरी इंडिया में ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत ही बदतर सिचुएशन है उधर। तो मुझे उनको वो भी साइड दिखाना था कि लोग कितने एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, बिना उनको कुछ अथॉरिटी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा जब मैं इधर थी तो लोग अपने सोशल मीडिया को यूज करके एक दूसरे की सहायता कर रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स, ये सब अरेंज करवा रहे थे ट्विटर को यूज करके। तो दैट वाज दैट इंडिया दैट आई वांटेड टू शोकेस टू द वर्ल्ड एंड टू द यूनिवर्स। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आगे का क्या सोचा है आपने, इस मुकाम के बाद अगला क्या है, फिल्म में जाना है आगे, कुछ और जहन में है, या ऐसा तो नहीं कि राजनीति में आना आगे चल करके? आगे के लिए बहुत कुछ सोचा है, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इधर और जितना मैंने सीखा है सब उसको यूज करके, वेदर इट्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं हो तो बिजनेस में, एंड आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड इन पॉलिटिक्स,
राजनीति भी बहुत मतलब रुचि है मेरी एंड इवन इफ माय माय मदर डजंट लाइक दैट शी डजंट वांट मी टू गेट इनटू इट बट आई विल श्योरली गिव इट अ थॉट एंड मैं अभी बस 22 साल की हूँ तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। एडलिन बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और अगर राजनीति में जाइएगा तो बता दीजिएगा, जब भी चुनाव लड़ने का इरादा होगा तो कवरेज के लिए पहले से बता दीजिएगा हमको, पॉलिटिक्स हम लोग आमतौर पर कवर करते हैं, आसानी होगी कवर करने में। बहुत धन्यवाद आपको। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।